इस एक तस्वीर ने दुनिया के कई देशों में बवाल मचा दिया है। उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन है। इस और भारत के रिश्तों का एक नया अध्याय यहाँ से शुरू होगा। राष्ट्रपति किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत में कदम रखते ही बड़ा खेल कर दिया है। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी है वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। थोड़ी सी पाकिस्तानियों की भी हरकतें गलत होती हैं। तुर्की और पाकिस्तान में तो बवाल मच गया है। भारत के साथ ज्यादा ताल्लुकात इसलिए बढ़ा रहा है ताकि मार्केट को डाइवर्सिफाई करें। फ्रेंड्स, ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। ऑटोनोमस पोजीशन एस्टैब्लिश करें, क्योंकि वो लोग जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। एंड देन इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडिया ये कहता है जी वी आर आंसरेबल टू आवर वोटर्स, और उन्होंने इंडियन को नेशनैलिटी दे दी है। ज्यादा इंडियन ही उधर है, पाकिस्तान तो दूसरे तीसरे नंबर पे। तो क्या समझते हैं आप, अगर वो लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं नेबर पे, और इन्होंने बोला कि भाई इंडिया से मुकाबला ना करो उसको, वो हम क्या करते हैं कि हम जल्दी अपनी औकात बदल लेते हैं। इंडिया बहुत ऊपर चला गया है, इंडियन वैसे के वैसे रहता है, वो जितना भी अमीर हो जाए। वो बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा ज्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ हम चाहते हैं कि इंडियन आकर काम करें। पहले आप तक मैंने ये खबर पहुंचाई थी कि ग्रीस ने पाकिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वहां पर बहुत से गलत कामों में मुलविस थे। इसके अलावा पाकिस्तानियों ने वहां के 3 शहर भी जलाए थे, तो वहां पर गेट आउट पाकिस्तानीज का ट्रेंड आम हो गया था। अब ग्रीस कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में जो पाकिस्तानी है वो भी निकले, क्योंकि हमें पाकिस्तानी किसी भी फील्ड में चाहिए नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए इंडियन वर्कर्स, इंडियन ब्रेन्स चाहिए। एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कंपनी हो, वहां हम चाहते हैं कि इंडियन आकर काम करें और इंडियन ग्रीस को संभाले। पाकिस्तानियों का टोटली बायकॉट वो करना चाह रहा है, क्योंकि बहुत से केसेस दोबारा फिर से नजर आने लग गए हैं जो वहां पर पाकिस्तानी मौजूद है। वो क्राइम्स की तादाद पाकिस्तानियों में बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसा कहना है ग्रीस का। वो मांगते हैं इंडियन ब्रेन्स। क्या वजह है हम अपने लीडर्स की नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, या अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, दुनिया पूरी दुनिया उनके ऊपर ट्रस्ट कर रही है। सर, इंडिया का जो पासपोर्ट है ना उसकी वैल्यू हमारे पासपोर्ट से बहुत ज्यादा है। उसके पासपोर्ट पे इतनी एंट्रीज फ्री है कि वो उनकी मीशत जो है वो बहुत खुशहाल है। ठीक है, वो टिकट लेते हैं जिधर मर्जी, मतलब वो चले जाते हैं। उसकी रीजन क्या है, मतलब ये है कि उनकी मीशत ठीक है, उनके हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान लीडर। हमारे तो इधर पासपोर्ट ग्रीन को जिसको भी दिखाएं, जिसके आगे भी लेके जाएं, कोई वीजा लगाने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये चीजें हैं, इस वजह से जो है ना वो हमसे बहुत आगे चले गए। नहीं, वो देखें उनकी 1,40,00,000,000 आबादी है, और वो इतनी बड़ी आबादी को मैनेज कर रहे हैं, हमारे से 24 करोड़ नहीं मैनेज हो रही। हम इन्हें नहीं रोटी पूरी कर पा रहे, इन्हें नहीं बिजली के बिल जो है वो इस तरीके से कर पा रहे। वो इस वजह से कि उधर देखें उनकी यूरो की या मीशत की जो देख लें, डॉलर की उधर देख लें, डॉलर उधर तकरीबन 82 का, इधर 300 का। ग्रीस ने पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं, गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड बहाल है वहां पर। क्या कहेंगे, क्या विचारधारा रखेंगे आप अपनी? दुख होता है, सबसे पहले मैं इस पे आनंद नहीं महसूस करता, दुख होता है। दुख ये होता है कि एक इतनी प्राचीन सभ्यता के लोग, जिनका हजारों हजार साल का इतिहास है, हजारों हजार साल का इतिहास है, वो इस स्थिति पे हैं आज। कहीं ब्लैक कर रहे हैं, कहीं ब्लॉक किए जा रहे हैं, कहीं बायकॉट किए जा रहे हैं, कहीं पे आतंकवादी के रूप में जाने जा रहे हैं। यही पहचान आपने बनाई है, ये कीमत आपने चुकाई अपने आपको अपनी धरती से तोड़ने का। क्या मिल गया आपको? यही डिनायल ऑफ वीजा, गेट आउट पाकिस्तानीज, अरब मुमालिक, मुस्लिम मुमालिक, मुस्लिम मुमालिक, बस हो गया। अब तो दुनिया मुस्लिम मुमालिक से बाहर चली गई, अब तो दुनिया ह्यूमैनिटी की तरफ चली गई। जब 1945 में UDHR साइन हो रहा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो तो बना रहे थे हमको तो चाहिए पाकिस्तान, हमको चाहिए चूंकि हम मुस्लिम हैं तो अलग हो जाएंगे। अपने परिवार से कोई अलग होता है, और इस ग्राउंड पे कि हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम आपके साथ रह नहीं सकते, तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे? आप सोचिए, बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता, ये क्वेश्चन ही ऐसा हो गया। आई विल वंस अगेन कम ऑन दिस। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो सिचुएशंस हैं आपके यहाँ की, आपको बहुत जबरदस्त थिंकर्स की जरूरत है, वरना ये तो अभी शुरुआत है। जब आप जैसे है ना, एक सीधा सा कहावत है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, बोए पेड़ बबूल का
तो आम कहां से होए? आपने क्या बोया है? इससे नफरत, उससे नफरत, और क्या बोया आपने किताबों में? आप, आपको मौका मिला कि 15-20 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को हम एक इंसान बनाएं अपने तरीके से, जो आपके इंसान की परिकल्पना थी। 1947 में आपको यह वजूद मिला कि आने वाले बच्चों को हम एक पौध के रूप में जन्माएंगे जो हमारे हिसाब से बेस्ट इंसान बनेंगे, और ये इंसान बनाए हैं आपने, ये इंसान बनाए हैं। गेट आउट पाकिस्तानीज, आतंकवादी पाकिस्तानीज, चोर पाकिस्तानीज, डकैत पाकिस्तानीज, ग्रूमिंग गैप पाकिस्तानीज, ये बनाया आपने। इंग्लैंड की जो यूके की जो वो है होम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो है वो बच्चियों को ग्रूम करते हैं सेक्स करने के लिए। ये है पाकिस्तान का इंसान। नफरत पढ़ाइए, आप पढ़ाइए नफरत, और नफरत पढ़ाइए। ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये इसमें आप, यही आएगा, यही आएगा। और क्या आना है इसका प्रोजेक्ट, इसका रिपोर्ट, और क्या आना है? सारी दुनिया तो आगे बढ़ गई, दुनिया तो मानवतावादी हो गई, दुनिया मानवता ह्यूमैनिटी को लेकर चल रही है। दुनिया 1948 में 1945 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 1948 में शायद यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रही है और साइन कर दिया, और आप अभी भी वही उसी पे। तो क्या आप क्या उम्मीद कर रहे हैं बताइए? आपके स्कूलों में पढ़ के कौन क्या निकलेगा? आपके स्कूलों में से पढ़ के क्या निकलेगा आप बताइए? साइंटिस्ट निकलेगा, फिलोसोफर निकलेगा? उसको सोचने की छूट है, बोलने की छूट है आपको? हमारे यहाँ कुछ भी कर सकते हैं आप, इतनी फ्री सोसाइटी है। इस हद तक फ्री है कि लोग इस मिट्टी को गाली देते हैं, इसी मिट्टी में पैदा होकर के, इतनी छूट है। अपने पूर्वजों को गाली देते हैं फिर भी उनको बोलने की छूट है। आप क्या है? तो निमरा जी, जैसा करना वैसा भरना। सबको आपने, सब में कीड़े निकाले हैं आपने। बेसिक सा है, मैं आपके अंदर रोज कमियां निकालूंगा, निमरा तो ये है, निमरा तो वो है, तो आप मुझसे चिढ़ेंगे, मुझसे प्यार नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि भैया ये आदमी हमेशा मेरी बुराई करता रहता है, चिढ़ जाएंगे आप। देयरफॉर आई वुड सिंपली रिक्वेस्ट कि दो चार फिलोसोफर्स पैदा कीजिए जो रिविजिट करें, अदरवाइज आप आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में ये फिर हम कह सकते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर है कि उसने इस्लामी ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात इतने बेहतर कर लिए कि इस्लामी ममालिक में इंडियन की इज्जत पाकिस्तानियों से ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वहाँ मुस्लिम मुझे मिलते थे, वो रोते थे कि हमारे साथ जुल्म होता है इंडिया में, हमें आप लोग तो बहुत अच्छे हो जो पाकिस्तान में रह रहे हो, हमारे साथ तो जुल्म होता है इंडिया में, मुस्लिम को वो बहुत पसंद ही नहीं करता नरेंद्र मोदी, लेकिन ये यूएई अपना फायदा देखते हैं। आपको पता है कि यूएई ने 950 पाकिस्तानियों को पिछले कुछ महीनों में बाहर निकाल दिया अपने मुल्क से। बिल्कुल ऐसे ही है, बस थोड़ी सी पाकिस्तानियों की भी हरकतें गलत होती हैं, इंडियन थोड़ा कम करते हैं, इंडियन के वो लोग जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको वो हम क्या करते हैं कि हम जल्दी अपनी औकात बदल लेते हैं। इंडियन वैसे के वैसे रहता है, वो जितना भी अमीर हो जाए, अब वहाँ लुलू माल है वो इंडियन का है।